दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लॉजिक गेट के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम डी की बात कर लेते हैं, इसके लॉजिक गेट के क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। तो बेटा, इनमें से बेसिक लॉजिक गेट कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपको। बेसिक एंड और नॉट, ये बेसिक लॉजिक गेट है। सारे गेट इनसे ही मिलके बने हुए हैं। देखो, इसमें से बेसिक लॉजिक गेट कौन से एंड और नॉट सही नहीं है। कौन कौन से एंड और नॉट, ये तीनों क्या है? बेसिक लॉजिक गेट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से होते हैं। बेटा ये यूनिवर्सल, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे नैंड और सेकंड है नोर, ये दोनों गेट बेटा क्या है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। कौन कौन से? नैंड और नोर। अब हम बात कर लेते हैं, देखो नैंड नोर किससे मिलके बना होता है? और प्लस नोट। देखो बेटा, इस एन का मतलब क्या है? नोट। जैसे अभी एंड की बात करते हैं हम, देखो ये तो क्या है? एंड गेट। एंड गेट लगेगा इसके पीछे, एन का मतलब नोट गेट लगेगा। तो एंड में क्या है? एंड प्लस नोट। समझ में आ गया होगा दोनों आपके? इसमें क्या जाएगा? नोट प्लस और। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं एग्ज और गोट के लिए। एग्ज और, देखो देखो हमारे पास दो गेट होते हैं, एग्ज और। एग्ज और का क्या होता है? ए एग्ज और बी। और एग्ज नोर का मतलब, एग्ज नोर का आउटपुट क्या होता है? ए एग्ज और बी का होल बार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एग्जनोर बी, ई एग्जनोर बी। आगे समझ में दोनों? क्या जाएगा एग्जोर के लिए? किसी और गेट के तीन इनपुट एबीसी है तो आउटपुट होगा। देखो आउटपुट देख लेते हम सारे गेट के। और का क्या होता है? और का ए प्लस बी। एंड का ए डॉट बी। नोट का ए बार, क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे कितने गेट की आवश्यकता होगी। एक, ये देखो दो इनपुट, ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, इसमें दिए दो इनपुट लगा देंगे, एक पे ए प्लस बी इनपुट लगाएंगे, एक पे आर प्लस एस लगाएंगे। तो दो एक एक ही गेट की आवश्यकता होगी दोनों का, एंड हो जाएगा, एंड गेट लगा देंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी गलती कर रखी है उन्होंने। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा ही है। ये कौन सा है? और गेट है। और यहाँ पे कौन सा है? नोट गेट। कौन सा हो गया? ये नोर गेट हो गया। नोर गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी का बार दा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका देखो आउटपुट। बेटा ये कौन सा गेट है? ये नोर गेट है। देखो नोर गेट का आउटपुट क्या हुआ? 1.1। क्या होता है इसका आउटपुट? ए प्लस बी का बार। तो इसका बार हो गया 1 प्लस 1, क्या हो गया 1, 1 का बार क्या हो गया? 0। यहाँ पे क्या है? 0। अब देखो यहाँ पे 0.0 क्या हो गया? 0.0 का बार। इसका आउटपुट क्या हो गया? क्योंकि ए प्लस बी का बार होता है, इसका आउटपुट 0.0 क्या हो गया? 0, 0 का बार क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ए डॉट बी प्लस सी का मान क्या होगा यदि ए बी सी 1 हो। तो देखो
वन डॉट वन प्लस वन, वन प्लस वन क्या हो गया वन, वन डॉट वन, वन डॉट वन क्या हो गया वन, आंसर क्या आ गया इसमें वन, 31 में द। उसके बाद देखो 32, देखो बेटा अब मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, देखो एक्स और में क्या होता है, ये ओड नंबर ऑफ इवन नंबर, ओड नंबर ऑफ वन, अगर किसी भी समीकरण में ओड नंबर ऑफ वन हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा वन। जैसे देखो 0.1 तो आउटपुट क्या आएगा वन, और 1.0 तो आउटपुट क्या आएगा वन, और इवन नंबर ऑफ वन होंगे, इवन नंबर ऑफ वन होंगे अगर इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। देखो देखो जैसे 1.1 तो आउटपुट जीरो, 0.0 तो आउटपुट जीरो। देखो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें इनपुट कितने दे रखे हैं, ए डॉट ए एक्सोर क्या जीरो, तो यहाँ पे क्या है ओड नंबर ऑफ वन है इसमें इनपुट में, तो आउटपुट क्या आ जाएगा वन। और हम इसी प्रकार एक्स नोर की बात करूँगा मैं, एक्स नोर की तो वो क्या है बेटा, उसमें अगर इनपुट में इवन नंबर ऑफ वन होंगे जैसे 1.1 तो आउटपुट क्या आएगा वन, एक्स नोर जीरो, एक्स और ज़ीरो होगा तो आउटपुट क्या आएगा वन। और अगर इवन ओड नंबर ऑफ वन होंगे जैसे वन एक्स नोर ज़ीरो तो आउटपुट क्या आएगा जीरो। मतलब एक्स और का क्या है बेटा, ओड नंबर ऑफ वन डिटेक्ट करता है, इवन नंबर ऑफ वन होंगे इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है।